भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पूरे भारत में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्ण जयंती के रूप में मनाई जा रही है, लेकिन रादौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस स्वर्ण जयंती को एक अलग ही अंदाज में मनाकर रिकॉर्ड कायम किया। रादौर में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर व CPS श्याम सिंह राणा की अगुवाई में 4 किलोमीटर की सुबह की सैर कर लोगों को सशक्त भारत का नारा दिया। पूरा करना चाहते हैं क्योंकि सशक्त भारत बनाना हमारा भारतीय जनता पार्टी और देश के नागरिकों का सबका एक स्वप्न है। भारत मजबूत हो, सशक्त हो, दुनिया के अंदर शक्तिशाली बने, इसी बात को लेकर हम केवल अपने शरीर को दुरुस्त रखने के लिए हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, फकीरों ने, ऋषियों ने जो हमारे को संदेश दिया सुबह की सैर का, ये एक पुरानी पद्धति है, कोई नई पद्धति हमने नहीं की। ये पुराना हमारे देश के संस्कार, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, हम उनका पालन करने के लिए एक कार्यकर्ता के साथ अनेक कार्यकर्ता जो शहर पे निकलेंगे, अपने आप में एक ये रिकॉर्ड होगा। और साथियों, सुबह की सैर का जो महत्व है वो लोगों के समझ में आएगा। जो बच्चा सुबह 4 बजे उठता है वो सोच जाता है, और साथियों अगर उसी के साथ का बच्चा 10 बजे उठेगा वो भी सोच जाएगा, लेकिन दोनों की सेहत में कितना अंतर होगा ये तो हम किसी डॉक्टर से राय करके ही इस बात को बता सकते हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 100वीं जयंती है और पूरे देश में इसको बहुत जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जहां हम बूथ स्तर पे छोटे उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां राणा जी ने एक चमत्कार कर दिया कि राणा जी ने आज सुबह 6 बजे ही सारे हल्के के कार्यकर्ताओं को यहां आमंत्रित किया, और अभी आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह 6 बजे ही पहुँच गए। तो ये सब के सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिया है तो हम आज यहाँ पर उसकी भी शपथ उठाने के लिए आए हैं कि उस विचार पे चल के हम गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए मिलके काम करेंगे और अपने देश को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाएंगे।